राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि अगर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता तो वो कभी भी नहीं गिरती। केंद्रीय मंत्री फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। गडकरी ने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से इस बात पर जोर कर रहा हूं कि समुद्र के आसपास बनी सड़कें, पुलों या किसी तरह के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गडकरी ने कार्यक्रम में नेशनल हाईवे, रोड और टनल कंस्ट्रक्शन में आ रही दिक्कतों पर भी बात की। दरअसल 26 अगस्त को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में 8 महीने पहले बनी शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी। पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को प्रतिमा का अनावरण किया था। विपक्ष ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने का जमकर विरोध किया। इसके बाद पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ी थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।